मुंबई से सटे थाने के घोड़बंदर रोड इलाके में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक शख्स ने अपने ही 7 साल के बेटे एकांश को जहर देकर पहले मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना बुधवार दोपहर की है, लेकिन देर शाम इसकी जानकारी थाने के वर्कर नगर पुलिस को मिली। युवक का नाम सैमिक उर्फ आर्यन घोष है। सैमिक पेशे से एक म्यूजिक टीचर था। दरअसल सौमिक की 2 शादी हुई थी और पहली बीवी से उसे एक बेटा एकांश था, जबकि उसकी दूसरी बीवी सुधा थी, जो पहले ही 2 से 3 महीने पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। सौमिक थाने के विजय एक्लेव नामक की बिल्डिंग में किराए के फ्लैट में रहता था। पुलिस को फ्लैट से 4 सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें एक उसने पत्नी के नाम पर, एक पुलिस के नाम पर, 2 फ्लैट मालिक के नाम पर। अभी तक की जांच के मुताबिक सौमिक कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। उसने अपनी पत्नी के भी गहने गिरवी रखे हुए थे, जिसकी लिए उसकी दूसरी पत्नी छोड़कर चली गई थी। लगातार वापस देने का दबाव बना रही थी। वहीं बाहर से लिए गए कर्ज की वजह से वो बहुत परेशान था और शायद इसीलिए उसने ये कदम उठाया। फिलहाल लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर जो विजय एंक्लेव बिल्डिंग है वाकबिल रोड पे, यहाँ पे 8वें माले पे सौमिक घोष, उसका 39 ईयर्स ऑफ एज, और उसका एक छोटा लड़का 7 साल का एकांश, ये दोनों रहते थे। और इनकी जो वाइफ है देवजानी, ये पिछले 3 महीने से उनके साथ नहीं रह रही थी। और इसमें जो है दोपहर में सौमिक ने खुद को फांसी लगा ली है, और शायद उसके पहले उसने उसका जो बेटा है उसको उसको मारा होगा, ऐसा तफ्तीश में निष्पन्न हो रहा है। तब जिसमें ये भी निष्पन्न हो रहा है कि उसके वाइफ के बहुत सारे गहने उसने गिरवी रखे थे, वाइफ भी वो मांग रही थी, और उसके ऊपर बहुत सारा बाहर का कर्जा है, ये निष्पन्न हो रहा है। और इसके फ्रस्ट्रेशन में आके उसने ये घटना की है। सर, इसके बारे में वाइफ ने कुछ कंप्लेंट दी थी और जो आखिर तक देखा जाए इसका रूम का रूम था या किस तरह से? नहीं, ये भाड़े का रूम है और उसने 4 सुसाइड नोट्स भी लिखे रखे हैं। एक वन इज एड्रेस टू पुलिस, दूसरा वाइफ को, और 2 जो है वो मालिक को लिखे रखा है। और यहाँ पे तफ्तीश जारी है, दोनों भी डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गए। घटनास्थल को एसीपी वर्तक डिवीजन श्री भोर साहब और डीसीपी श्री लोखंडी साहब, इन्होंने विजिट किया है। उन्होंने जो मार्गदर्शन किया है उसके ऊपर हम लोग आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। कितना कर्जा है सर, क्या अंदाज? अभी वो तफ्तीश में आगे आएगा, बहुत सारा कर्जा है इसका।